तो हेलो गाइस, मैं हूँ रमेश। आप दोस्तों बाइक अपडेटर दोस्तों, ये जो बाइक देख रहे हो बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट है दोस्तों। ये कार्बन एडिशन है यानी टॉप मॉडल है। तो पहले आपको दिखाया तो टैंक के ऊपर, या फिर देख सकते हो E20 यानी E20 से ये बाइक चलेगी दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों इस बाइक के अंदर कुछ ग्राफिक्स के अंदर चेंज किया गया है। जैसे कि फ्रंट के डिजाइन की बात की जाए तो फ्रंट में आप देख सकते हो यहाँ पे इस प्रकार डिजाइन दिया गया है, जो कार्बन एडिशन कहा जाता है दोस्तों, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर यहाँ पे ओवरऑल जो हेडलाइट है वो आपको रेगुलर जैसा देखने को मिल जाएगा। इंडिकेटर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको नॉर्मल फ्लेक्सिबल इंडिकेटर देखने को मिलता है, जो बाइक गिरने के बाद भी नहीं टूटेगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो एलोडियम का डिज़ाइन है, यहाँ पे पूरी तरह से चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 3 डॉट वाला आपको एलोडियम देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो 240 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है, इसका जो पैटर्न है वो भी चेंज किया गया दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार डिज़ाइन दिया है, पहले काफ़ी अलग था। यहाँ पे आपको सीट का टायर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो। तो अगर टायर साइज की बात की जाए तो यहाँ पे कौन सा टायर साइज देखने को मिल रहा है, 80-17 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छी बात है, पहले से आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, जो सेफ्टी पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। फॉर्म में आपको 1.5 सेंसर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो। जैसे सबसे बड़ी अपडेट अगर बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो, पहले आपको नॉर्मल जो बाइक आती थी उसके जैसा आपको यहाँ पे पेट्रोल टी देखने को मिलता था, लेकिन इस बाइक के अंदर आपको कोई भी पेट्रोल टी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बाइक के अंदर आप फ्यूल इंजेक्टर हो चुका है। जो टैंक है ये भी चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे टैंक का जो कैप है इसको देख सकते हो, तो ब्लैक सेमी आपको देखने को मिलता है, पहले आपको सिल्वर सेमी देखने को मिल जाएगा। जो सबसे बड़ी आपको डिमांड थी दोस्तों वो है मेटल कंसोल, हालांकि अभी भी आपको सेमी डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, जो काफ़ी डिमांड है, क्योंकि ये जो RPM मीटर है यानी टैगो मीटर है ये काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों। इसका जो अंदर जो डिजिटल मीटर दिया गया दोस्तों, वो पल्सर 150 जैसा आपको देखने को मिल जाएगा, पूरी तरह से देखने को मिल जाएगा। मैं दोबारा से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो साइड टर्न इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेशन, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर और किलोमीटर, यहाँ पे घड़ी भी शायद दिख जाएगा। तो यहाँ पे ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, किलोमीटर, यहाँ पे फ्यूल गेज देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अपार्ट डिपार्ट, इंजन मालफंक्शन लाइट और न्यूट्रल की लाइट दोस्तों, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, और यहाँ पे RPM लिमिट और टैगोमीटर। तो अगर इस तरह से बात की जाए तो आपको सेल्फ का बटन देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ऑन ऑफ का सुविधा आपको देखने को मिल जाएगा, इंजन किल स्विच देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और लेफ्ट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर हॉर्न आपको देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, अपार डिपार, पासिंग स्विच, हैंडल ग्रिप आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार। पल्सर ब्रांडिंग है दोस्तों, यहाँ पे आपको 3D में देखने को मिल जाएगा, थोड़ी बहुत जो कार्बन फिनिश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जो देखने में पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस प्रकार आपको दोस्तों रेड कलर के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे टैंक काउल भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि साफ साफ देख सकते हो, इस प्रकार कार्बन फिनिश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी सही देखने को लगता है। तो इस बाइक के अंदर जो सीट दिया गया है वो स्प्लिट सीट है दोस्तों, चाहे तो आप सिंगल सीट खरीद सकते हो। यहाँ पे जो गैप हैंडल है दोस्तों, यहाँ पे भी आपको इस प्रकार देखने को मिल जाएगा, स्पीड देखने को मिल जाएगा, 125 के बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार आपका कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो। और रियल के टेललाइट की बात की जाए तो जो रियल के टेललाइट है आपको रेगुलर जैसा आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंडिकेटर मैंने आपको बताया था, नॉर्मल फ्लेक्सिबल इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छी है। और रियल का लुक पहले से आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे और एक चेंजेस है दोस्तों। तो पहले आपको सिल्वर सेम में आपको इसका जो मफलर का गार्ड था वहाँ पे आपको देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको पूरी ब्लैक कलर के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो आपको सस्पेंशन भी पहले जैसे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है, नाइट्रो मोनोऑक्साइड सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। और रियर के टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो रियर में आपको 190-17 इंच ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलता है दोस्तों, जो पहले से आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पे रियर में कोई भी डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा, 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, क्योंकि 125 से बाइक है। तो फ्रंट में आपको सिर्फ डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, कोई भी ABS कंपनी फिलहाल तो अभी तक प्रोवाइड नहीं किया, हो सकता है आगे जो अपडेट होगी वो आपको ABS प्रोवाइड कर दी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई भी ABS आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको इंजन गार्ड या फिर इंजन काउल आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, जो देखने में काफ़ी अच्छी है। अगर इसकी इंजन की बात की जाए तो ओवरऑल तो इसका जो इंजन है, ओवरऑल जो इंजन है वो सेम टू सेम बजाज पल्सर पहले जैसा आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी DTSI आपको इंजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ कोई भी बजाज DTSI आपको लिखा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिंगल स्पार्क प्लग के साथ ये बाइक आती है। बजाज को कहना है दोस्तों, जो पहले जो बाइक थी वहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्टर देखने को नहीं मिलता था, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर देखने को मिलता था। तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर होने के साथ साथ दोस्तों बजाज DTSI जो सिस्टम था वहाँ पे हटा दिया, तो ये जो बाइक है दोस्तों यहाँ पे आपको कार्बन एडिशन देखने को मिल जाएगा, जो टॉप मॉडल आती है दोस्तों। तो कार्बन एडिशन आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, जैसे भाईजार के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर फोन की मार्कर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको
देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो इंजन गार है या फिर इंजन काउल है या फिर आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगी, यानी हर तरह आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस साइड जो वाइजर है दोस्तों या फिर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है दोस्तों। तो ओवरऑल जो बाइक है इसके अंदर बहुत सारा चेंजेस हुई है, क्योंकि इसका जो फ्यूल सिस्टम है यानी पहले कार्बोरेटर था या फिर आपको फ्यूल इंजन देखने को मिल जाएगा, तो इसी वजह इसका जो वायरिंग है दोस्तों वो भी चेंज कर दिया दोस्तों। तो इतनी सारी चेंजेस होने के बाद भी इस बाइक के अंदर कोई भी प्राइस एक्स्ट्रा आपको पे नहीं करना पड़ेगा, पहले जैसे आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल वेस्ट बंगाल बैंकुड़ा में इस बाइक का प्राइस जो है दोस्तों 1,14,000 के अंदर आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यानी 1 रुपया भी प्राइस आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इंजन का जो रिफाइनमेंट है पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है दोस्तों, इंजन अंदर कोई भी एक्स्ट्रा साउंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप स्पीड सीट छोड़ के दोस्तों नॉर्मल जो रेगुलर बाइक आती है 125 cc वहाँ पे आपको जो प्राइस है काफ़ी कम देखने को मिल जाए, यानी 1 लाख के नीचे आपको अभी भी प्राइस देखने को मिल जाएगा। सारी फीचर्स वही है दोस्तों, सिर्फ सीट का अंतर है दोस्तों, जो कलर कॉम्बिनेशन है वहाँ पर थोड़ी बहुत अंतर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये जो बाइक है दोस्तों लगभग 1,14,000 के अंदर वेस्ट बंगल बैंकुड़ा आरके बजाज शोरूम के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आप सिंगल सीट लेना चाहते हो दोस्तों तो लगभग 1 लाख के अंदर आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगा।